चाट वाला है, यहाँ पे आपको गए छोला टिक्की और अलग टाइप की भेलपूड़ी और बहुत से अच्छे नाश्ता मिलेगा। देखते हैं कैसा टेस्ट इनका और क्या प्राइस और क्या क्या पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पहले ऑनर से बात करते हैं, क्या नाम भैया का, कितने टाइम से कर रहे हैं और क्या क्या वेराइटी है। आपका नाम? मेरा नाम रानू खत्री है। कितने टाइम से आप भैया कर रहे हैं, क्या क्या वेराइटी यहाँ पर मिलेगी हमको? पिछले 27 साल से काम चल रहा है हमारा। हमारे पास छोले टिक्की और भेलपूड़ी दो आइटम मिलते हैं। क्या क्या प्राइस इनका? छोले टिक्की फुल 50 रुपये, हाफ 35 रुपये और भेलपूरी फुल 40 रुपये और हाफ 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं आपकी अलग अलग वेराइटी। तो दोस्तों पहले भैया हमारे छोला टिक्की लगाते हुए फुल प्लेट। ये आलू की टिक्की है। ठीक है, आलू टिक्की भैया डाली। छोले, ये छोले पहले से बना के आते हैं, गर्म करते हैं। इसको गर्म करते घर से बने यहाँ पे उबल के। कौन सी खट्टी मीठी? हाँ खट्टी मीठी चटनी है, चटनी लेके। और ये मसाला घट से तरदरा फूटा हुआ। ये प्याज चाट रेडी हो गई। ठीक है, ये छोला टिक्की रेडी करती भैया ने। इसमें आलू, ये पपड़ी। ठीक है, कौन सी चटनी? ये मिर्ची है। ठीक है, मिर्ची चटनी और ये मीठा चटनी टमाटर। ठीक है, हमारी जो छोला टिक्की प्लेट और भेलपूरी दोनों रेडी हो चुकी है। अब हमको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको और रिव्यू देते हैं इसका, ऑनेस्ट रिव्यू देखते हैं क्या टेस्ट है। ये दोस्तों इनकी छोला टिक्की है फुल प्लेट हमने ली, अब उसको देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको फ्रेश कटे हुए टमाटर और प्याज और साथ में छोले मिलेंगे आपको, और आलू की टिक्की तो आपको पता ही है। ये देखिए, तो दोस्तों अब पहला बाइट लेता हुआ देखते हैं क्या टेस्ट इसका। दोस्तों इसके अंदर आपको हल्का सा खटास और मीठा सबकी बैलेंस बाइट मिलेगी आपको। और दोस्तों खास बात ये है कि इनके यहाँ पे आपको ना ज़्यादा मीठी लगेगी चटनी और ना ही ज़्यादा स्पाइस लगेगी, हर चीज़ का आपको ब्लेंड अच्छा लगेगा और अच्छा टेस्ट आएगा आपको। अब हम नेक्स्ट आइटम ट्राई करते हैं, वो है भेलपूड़ी। तो दोस्तों भेलपूड़ी तो आपने हर जगह खाई होगी, बहुत जगह ट्राई भी की होगी, लेकिन जो ये जो भेलपूड़ी आज आप खाने जाएंगे हम, ये बहुत ही अलग और बहुत ही अलग स्पेशल भेलपूड़ी आपको लगेगी। इसके अंदर ऊपर से भैया ने डाली है सेव और साथ में पुदीने की, तो धनिया का पुदीने का अलग डाला हुआ मसाला, देखते क्या टेस्ट है। ये देखिए दोस्तों, भेलपूड़ी दोस्त बहुत अच्छी लगी और ख़ास बात की जो क्रंच उसने मुंह में अभी लगा रहा है, आप देख रहे हैं तो टाइम हो गया था हमको रिव्यू करते, लेकिन अभी भी इसकी जो सॉफ्टनेस नहीं आई, बहुत क्रिस्पी और अच्छी भेलपूड़ी बनकर रेडी हुई है। इसके अंदर आपको आलू के, प्याज के, टमाटर के और सभी चीज़ का अच्छा फ्लेवर आएगा और गरम मसाला घर का मसाला सब इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों
इनका गूगल पे और ये मिल जाएगा आपको, क्यूआर कोड भी है। अगर आप कैश नहीं भी लाएँ तो भी आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं।